एक आदमी था, वो कवि कथा बूढ़ा हो गया। एक दिन उस बूढ़े आदमी का जो दोस्त था, मित्र, फ्रेंड, उसके घर में ना सत्संग था। तो सत्संग के लिए संत जी, गुरु जी आए। तो उसके दोस्त ने आग्रह किया, यार हमारे घर में बड़े संत आ रहे हैं और संतों का संग करने के लिए बहुत श्रोता भी आ रहे हैं, तुम हमारे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम जरूर आना। तो उनके वो एक आदमी था जिनका नाम था रामचरण, रामचरण नाम का एक सज्जन आदमी थे। वो सत्संग कभी नहीं करते, कभी उन्होंने कथा नहीं सुनी, संतों का दर्शन नहीं किया, मंदिर नहीं गए, पूजा नहीं करी, पाठ नहीं, कुछ नहीं। सारी जिंदगी कमाया, खाया, सोया, बस सांसारिक भोगों का आनंद लिया, बस कोई पूजा नहीं। लेकिन आज रामचरण के मित्र ने कथा करवाई, संतों को निमंत्रण दिया, आप आना। उसने फिर भी टाल मटोल किया, नहीं आएंगे नहीं आएंगे, उन्हें आना ही पड़ेगा। जिद कर लिया रामचरण के मित्र ने, तो रामचरण गए। अब जब रामचरण गए तो सत्संग चालू था, पीछे जाके बैठ गए। और जब बैठे तो सत्संग में संतों ने बताया कि मानव का शरीर तो भगवान के लिए मिला है। और जब वो बातें सुनी कि भगवान से नाता जोड़ना चाहिए, हम तो मैनेजर हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारा परिवार अलग है, ईश्वर से कनेक्ट रहो, ईश्वर से जुड़े रहो, ये छोड़ना पड़ेगा संसार, यहां का किया यहीं रह जाएगा, जो कुछ पुण्य हुआ है वो संग जाएगा, वो पाप जो किया है, पाप और पुण्य दो लोग संग चलते हैं, हमारे संग पत्नी नहीं जाएगी, हमारे संग पुत्र नहीं जाएगा, पत्नी और पुत्र के लिए जो पुण्य और पाप किए हैं वो हमारे संग जाएंगे, हमारे माता पिता नहीं जाएंगे, पर हमारे माता पिता के लिए हमने जो पुण्य और पाप किया है वो हमारे पुण्य और पाप हमारे संग। अब ये सब बातें जब रामचरण जी ने सुनी तो भाई उनको लगा कि मैंने तो सारा समय गवाया है, मैंने तो कुछ भी नहीं पाया, मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरी तो आंखों के पास के बाल भी पक गए, अब तो मैं मृत्यु की ओर हूं, और ये कह रहे हैं कि अभी पुण्य जाएगा साथ, पुण्य तो मैंने किए नहीं कोई। अब वो बड़े अंदर चिंतित हो गए। तभी एक महिला ने पूछा, महिला ने संत जी से कहा, गुरु जी हमने सुना है कि जब प्राण निकलते हैं ना तो बड़ा दर्द होता है, बड़ी पीड़ा होती है, तो सुना है कि जाने के बाद आना भी पड़ता है, तो गुरु जी ने कहा कि सुनो, पीड़ा किसे होती है और जाकर आता कौन है, ये दो प्रश्नों के उत्तर एक बात पे गुरु जी ने दे दिए। एक छोटा सा मैं आपसे सवाल करूंगा, फिर आप सब उत्तर दीजिएगा। एक सवाल किया गुरु जी ने उस महिला से, सुनो बेटा ये बताओ कि ओपला होता है कंडा, कंडा गाय का गोबर, गोबर के ओपले बनते हैं, कंडे बनते हैं। एक महिला के ना बड़े बड़े बाल थे, तो उस महिला का ना एक बाल कंडे में गिर गया, तो कंडे में गिरा तो कंडे के संग बाल, कंडे के अंदर कंडा सूख गया। और उस महिला का दूसरा बाल ना मक्खन में गिरा, मक्खन के बर्तन में, तो गुरु जी ने कहा ये दोनों बाल यहां लाओ। तो कंडे में भी एक बाल था और मक्खन में भी एक बाल था, दोनों बालों को रखे गए और महिला से कहा कि अब दोनों बालों को निकालो, कौन सा निकलेगा आसानी से। मक्खन में जो बाल था क्या उसे निकालने में कोई तकलीफ है, पर जो कंडे में फंसा बाल है क्या वो निकलेगा। ऐसे ही आपका मन, आपका जो मृत्यु का समय है, मरने के पहले आप अपने आप को निकाल लो। किससे निकाल सकते हो, मक्खन से, पर ओपलों से तो नहीं निकाल सकते ना। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप संसार में
जैसे बाल गोबर में फंस गया। यदि आप संसार में ऐसे फंसे हैं जैसे बाल गोबर में, तब तो फिर आप निकल नहीं पाओगे। लेकिन आप संसार में ऐसे फंसे हैं जैसे मक्खन में बाल फंसा है, तो आप निकल सकते हैं। अब ये आप लोग बताइए कि आप लोग संसार में कैसे फंसे हैं, जैसे बाल मक्खन में फंसा वैसा, या जैसे बाल गोबर में फंसा वैसा। यदि आप मक्खन में फंसे बाल हो, तब तो आप लोग आराम से निकल जाओगे, आपको दर्द नहीं होगा। क्योंकि मक्खन क्या है? भगवत प्रेम के मक्खन में, काम करते हुए भगवान की भक्ति के मक्खन में हैं आप, तो आप आसानी से निकल जाएंगे। मृत्यु भी होगी, दर्द नहीं होगा। और जो भगवान में समर्पण कर दिया, उसका फिर जन्म भी नहीं होता, मोक्ष हो जाता है। तो अब देखो, हम सबको मरना तो पड़ेगा, हाँ या ना? जाना तो पड़ेगा। अब बस ये बताओ कि आप फंसे कैसे हो।